भारत और श्रीलंका के बीच 20 दिसंबर को पहला T20 मैच कटक में होना है। इंडियन टीम नई युवा टीम के साथ मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ होने T20 सीरीज में शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। यह होगी पहले T20 भारतीय टीम। ओपनिंग के लिए इंडियन टीम के पास दो नाम है। रोहित शर्मा पहले की तरह ही टीम में नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा ही कल टीम की कप्तानी करते नजर आने वाले हैं। वहीं शिखर अगर टीम में नहीं है तो लोकेश राहुल का नाम भी आप ओपनिंग कर सकते हैं। मध्यक्रम का बात करें तो श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। विराट कोहली के बाद इस खिलाड़ी ने इस नंबर पर अच्छा खेला है। नंबर 4 का नाम आपको हैरान करेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नंबर पर कल आपको हार्दिक पांड्या ही नजर आने वाले हैं। वहीं नंबर 5 पर धोनी को निश्चित रूप से बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। वहीं निचले क्रम की बात करें तो यहां आपको दो नाम नजर आने वाले हैं, मनीष पांडे और दिनेश कार्तिक। यह दो इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं ऊपरी बल्लेबाजी क्रम फेल हुआ तो नीचे टीम को यह सपोर्ट करेंगे। तीसरे वनडे में कमाल का प्रदर्शन करने वाले दोनों स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को इसी तरह से टीम में बरकरार रखा जाएगा। इस नामों पर शायद ही कोई चर्चा करें। वाशिंगटन सुंदर का एक नाम कुलदीप की जगह है तो लेकिन शायद पहले T20 में इस खिलाड़ी को मौका ना मिले। वहीं तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह तो एक नाम होने वाला ही है। इस सीनियर खिलाड़ी को तो मौका मिलने ही वाला है, लेकिन 11 नंबर पर कई नाम है जिनके नाम पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सिराज को मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल True 24 News। धन्यवाद।